कि टीवी 9 भारतवर्ष से एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बातचीत की है, उनकी तरफ से बयान आया है, ड्रग्स केस की जांच जारी है। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है टीवी 9 भारतवर्ष से। अभी तक 5 अधिकारी और 3 अन्य लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, प्रभाकर से संपर्क करने की कोशिश में है, यह भी डीडीजी की तरफ से बोला गया है। जांच में जिसकी जरूरत होगी सबसे पूछताछ की जाएगी। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक जांच कहां तक पहुंची है? पिछले 3 दिनों से 5 सदस्यीय टीम ने डेरा डाला हुआ था और एक हम इंडिपेंडेंट प्लेस पर इस इंक्वायरी को कर रहे हैं, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। उचित साक्ष्य जुटाए गए हैं, 5 ऑफिशियल विटनेस और 3 प्राइवेट विटनेस से हम लोगों ने पूछताछ की है। सर, आप लोगों ने कल एक लेटर लिखा था मुंबई पुलिस को, कमिश्नर साहब को, क्या उसका कोई रिप्लाई आया है? क्या प्रभाकर साहिल साहब की कोई अभी तक संपर्क हो पाया है इस बार? आज प्रभाकर साहिल के एक रिश्तेदार के यहाँ भी हमारी टीम ने उनको नोटिस सर्व कराने की कोशिश की थी, अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। सर, एक और सवाल आपसे, जिस तरीके से आज आर्यन खान को जमानत मिली है, उसके बाद एनसीबी की अब क्या पहली प्रतिक्रिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे इस जमानत के? इट इज़ प्री मेच्योर, अभी आदेश की कॉपी का अध्ययन करना होगा और ये फैसला कंसर्न जोनल यूनिट और कंसर्न डीडीजी का है, इस जांच कमेटी का नहीं। सर, पूजा डडलानी के बारे में कहा जा रहा था कि जल्द हो सकता है एनसीबी के समक्ष वो पेश हो या उनको बुलाया जाए, क्या कोई आने वाले टाइम में ऐसी कोई प्लानिंग आप लोगों की बहुत जल्द? मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि इस जाँच में जो भी गवाह और जो भी साक्ष्य हमें चाहिए होंगे, हम उन गवाहों को बुलाएंगे और साक्ष्यों को जुटाएंगे, किसी व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहता। जांच पूरी होने तक या फिर कहें अभी भी, क्या समीर वानखेड़े इस जांच से जुड़े रहेंगे? सर, कोई अभी तक निर्णय इस बात पर हुआ? आप केस की जांच के बारे में पूछना चाहते हैं? केस के लिए मैंने बोला वो जांच अधिकारी नहीं है, जांच अधिकारी विश्वविजय सिंह सुपरिंटेंडेंट है, वो एक सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं और तमाम सारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं। तो केस का अन्वेषण बहुत ही निष्पक्ष तौर पर चल रहा है और इस कमेटी के सामने कुछ ठोस सबूत आए तो मैं एक रिपोर्ट सबमिट करूंगा, उसके बाद हमारे महानिदेशक इस पर निर्णय लेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे, किरण गोसावी को लेकर, वो इस वक्त मुंबई पुलिस की कस्टडी में है, क्या आप लोग बहुत जल्द उनसे पूछताछ करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट मूव करेंगे? जी, हम लोग माननीय न्यायालय में परमिशन के लिए मूव करेंगे और वहाँ से परमिशन मिलने के बाद हम उनको अपनी जाँच में शामिल करेंगे। थैंक यू। तो बिल्कुल, ये थे ज्ञानेश्वर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस केस से जुड़े जितने भी किरदार हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो उनको जरूर बुलाया जाएगा, चाहे वो पूजा डडलानी हो, और साथ ही किरण गोसावी के लिए जल्द कोर्ट में मूव करेगी एनसीबी ताकि उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा सके। कैमरामैन राजू यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।